थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु से आया एक साधु चलती ट्रेन में चढ़ते समय अचानक गिर गया और फुटपाथ पर गिरते ही साधु घायल हो गया। जब इसकी जानकारी रेलवे स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों को हुई तो उन्होंने घायल साधु को देखकर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। पुलिस तो मौके पर पहुंच गई लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची और इलाज के अभाव में साधु ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने एम्बुलेंस जीआरपी और क्षेत्रीय गोवर्धन थाना पुलिस को दी थी। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन सूचना दिए जाने के 1.5 घंटे बाद तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते साधु की मौत हो गई। सर, अभी अभी आपके रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध गंभीर हालत में पाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? गोवर्धन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोवर्धन रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिस पर गाड़ी संख्या 2404 पर चढ़ने के दौरान, चलती हुई गाड़ी चढ़ने के दौरान एक यात्री गिरकर घायल हो गया जी। हमने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल पहुंच गई, परंतु एम्बुलेंस ने आने में अभी तक नहीं आई है और जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो गई जी। सर, कौन सा ये स्टेशन है और कहाँ के लिए ट्रेन जा रही थी ये? ये जयपुर से लेकर इलाहाबाद के लिए जाती है, ये गाड़ी संख्या 12404। इसमें चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने के प्रयास करने के दौरान वृद्ध आदमी की मृत्यु। अच्छा, इसकी सूचना भी आपने किस किस को दी है? हमने सबसे पहले इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी जी, उसके बाद पुलिस को दी, क्षेत्रीय पुलिस तुरंत आ गई, जीआरपीओ को भी हमने बता दिया है, वो भी पहुंच जाएगी थोड़ी देर। कितना टाइम हो चुका है मृत को अभी तक? मृत को लगभग 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में एम्बुलेंस नहीं आई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। जीआरपी आपकी मृतक से शनाख्त हुई, उसमें आईडेंटिटी कुछ मृत के जो सामान था उसके पास आईडेंटिटी कार्ड था जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा जारी किया हुआ आईडेंटिटी कार्ड है, यात्रा कार्ड लग रहा है, उसके 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 हिसाब से इस व्यक्ति का जो नाम है वो राघवानंद स्वामी और ये तमिलनाडु मदुरई से ताल्लुक रखता है। बस इतनी सूचना है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।